सफरे इश्क में ना इस वादी को एक्सप्लोर करना है और इस वादी की हर वो जगह कैप्चर करनी है जो आज तक किसी ने ना देखी। ठीक, मेरे साथ एक बंदा है जो आपको पूरा स्वाद घुमा सकता है। मैं अभी उसको फोन कर देता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ करीमुल्ला, संगल दे खैरियत? ठीक ठाक। अच्छा ऐसा करो कि खुले को जल्दी लेकर आओ। ठीक, अल्लाह हाफिज। खुले को बुलाया है, वो अभी आता होगा। और रास्ते में कोई तकलीफ वगैरह तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं, बल्कि यहाँ के लोग तो बड़े हेल्पफुल हैं, बड़ी मदद कर रहे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ। बस यहाँ के लोग काफ़ी पुरामन लोग हैं और इंशाल्लाह आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा। बिल्कुल, हम जब यहाँ आ रहे तो उससे पहले हमने सुना था कि यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, लेकिन जब हम लोग यहाँ आए तो हमने वो महसूस किया। बिल्कुल बिल्कुल। और लो खुले भी आ गया। अस्सलाम वालेकुम खान जी। वस्सलाम। आपने बुलाया था? इन लोगों ने कुछ शूटिंग वोटिंग करनी है, ये अब आपकी जिम्मेदारी है। और हाँ बच्चों, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो कुल के बोलना, आप लोग हमारे मेहमान हैं और मेहमान नवाजी हमारे खून में शामिल है। अरे बहुत शुक्रिया जनाब, ये तो बस आपकी मोहब्बत है, बहुत शुक्रिया। वो खान जी, दो मिनट के लिए ज़रा साइड पर आ जाए प्लीज़। हाँ जी, क्या हो गया आपको? हमारे घर में भी चूल्हा जलता है, साल में एक ही तो सीज़न आता है, वो भी आप लोग मेहमान नवाजियों में ख़राब करते हो। और ये जो लोग हैं ना, ये लोग यहाँ से निकलने के बाद वापसी में हमें याद भी नहीं करते। बेटा यही तो फ़र्क है ना हमें और इनमें, अगर हम अपने मेहमानों का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? हाँ जी, आप बेफिक्र हो जाए, ज़्यादती करना हमारे खून में नहीं है। चलो आओ बेटा, चलो। अच्छा बच्चों, ये इंशाल्लाह आपको सारा सवाद घुमाएगा। अब आप लोग आराम करें, गेस्ट हाउस जाएं, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। ओके गाइस, फॉलो मी। आ जाइए जनाब। आ जाओ बैठ। अच्छा तो जी जनाब रोनी, बताइए आप लोगों का क्या प्लान है? प्लान तो ये है कि हमने एक डॉक्यूमेंट्री शूट करनी है और ये कोई तकरीबन 3 या 4 दिन की शूट होगी। अब आप बताएं, आप क्या चार्ज करेंगे? चार्ज तो वैसे मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ, लेकिन हाँ खान जी ने आप लोगों की सिफारिश की है तो एक दिन के 5,000 तो 3 दिन के 15,000। 15,000 भाई? 15,000 बहुत ज़्यादा है, यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट है, प्लीज़ भाई कुछ देखें। अगर तुम लोगों की बातें हो गई हो तो इसे कह दो कि मेरा बैग ऊपर ले जाए। ओ भाई,
बात सुन, मैं गाइड हूँ, नौकर नहीं। कोले किसी का बैग वैग नहीं उठाता। अरे अरे जनाब, आप किसी का बैग मत उठाए, हम इस बात का ख्याल रखेंगे। बस आप हमारा ख्याल रखें। गाइस तो क्या सीन है, चले फिर। कुले, आप जरा कमरों का देख ले प्लीज। अब बस मैं दो मिनट में चाबियां लेकर आता। यार एक सेल्फी हो जाए, तुम भी इधर आ जाओ। आ जाओ, इधर आ जाओ। ओके रेडी, थोड़ा इस तरफ रेडी। Thank you so much, sir. यार रॉनी, ये लोग तो पूरे रास्ते में सोते रहे, हमें आराम की सख्त जरूरत है। किधर गया वो लड़का? ये रहा। अच्छा तो जनाब, ये चाबियां ले लो, वो ऊपर वाले तीन कमरे और खाने का भी मैंने बोल दिया। तीन कमरे? हमें तो दो कमरे चाहिए थे। टेंशन नॉट, ये तीसरा कमरा मेरे तरफ से आप लोगों के लिए तोहफा है। ओ भाई, हमारे लिए नहीं किसी और के लिए। अच्छा आप शुरमाना छोड़ो और सुबह टाइम पर आ जाना। जी जी ठीक है। आप दे दे बैग। ये क्या ड्रामा था। चलो गाइस यार बहुत थक गए, चलते हैं। आ जाओ। जाने क्या क्या पता, एक तरफा इश्क का चलने लगा। ये मेहमान कितने दिनों तक होंगे? दो चार दिन। और अच्छा है ना, कुछ दिन शावली की बैठक से दूर रहेगा। अल्लाह मेरे बेटे का नसीब अच्छा करे, एक बार सरकारी नौकरी लग जाए ना फिर देखना। मैं अपने बेटे की शादी पूरी तैयारी से करूंगी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस साहब ने तो ना नौकरी करनी है और ना सऊदी जा रहा है, कहता है अपना बिजनेस करूंगा। कर सकता है ना खुले के अब्बा, मेरा बेटा तो बहुत काबिल है और अब तो माशाल्लाह इंजीनियर है। इसको काबिल नहीं बेवकूफ कहो, इंजीनियरिंग के बाद बिजनेस का सोच रहा है। तो सही है ना कोले के अब्बा, अब थोड़ी सी जमीन बेच के उसकी ये ख्वाहिश पूरी कर दो ना। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। कुछ ज्यादा देर नहीं की, मेहमानों को छोड़ने के बाद शावरी की तरफ गए थे। बच्चे को खाना तो खाने दो ना। लो खाओ, आपके लड़ प्यार ने तो इसको बिगाड़ दिया है। अम्मा हर वक्त बस गुस्सा ही करता रहता है ये। छोड़ो बेटा। अच्छा अम्मा, वो करीमुल्ला को देसी घी और दूध का बोला था, लाती सही है। ओके
अम्मा वो लस्सी भी लाती हूँ। अबे यार वो उसका क्या नाम है? हुलेहा। हाँ बिल्कुल वही। अबे यार क्या इंटरेस्टिंग बंदा है यार वो, पता है अनाया को देख के शर्मा कैसे रहा था वो। हाँ तो भाई कौन मुझे देख के शर्मा रहा था? वो कोल है। लेकिन यार बहुत तेज है वो, लेकिन तुझे देख के वाकई वो पागलों जैसी हरकतें करता है। मुझे तो लगता है उसे नायक की शक्ल में अपनी लैला मिल गई। ये क्या बच्चों की तरह बातें करें, वो एक शरीफ और सादा इंसान है और इस तरह किसी के साथी का मजाक नहीं उड़ाते। सादा नहीं जाहिल, बोलो जाहिल। कहाँ वो जाहिल और कहाँ हमारी खूबसूरत अनाया। अहमद बहुत गलत बातें ऐसे नहीं कहते, वो जो भी है जैसा भी आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है। यार लेकिन हाँ एक बात है अनाया, बाखुदा अगर तुम चाहो ना तो हमारी यहाँ बहुत सारी चीजें फ्री हो सकती है, कसम से। बस अगर तुम चाहो तो। वेरी फनी। चलो खैर यार छोड़ो खुले को, रोनी कुछ सुना ही दो। सीरियसली? हाँ कुछ तो होना चाहिए, एक सॉन्ग। हाँ यार रोनी कुछ अच्छा तो सुनाओ। चलो गा देते हैं, लेकिन मैं इतना अच्छा सिंगर नहीं हूँ, बट हाँ मैं कोशिश जरूर कर सकता हूँ। ठीक है। सर्दी दिया राता ने, सर्दी दिया राता ने, यारा दा संग होवे फिर क्या ही बाता ने, हो यारा दा संग होवे फिर क्या ही बाता ने। वाह क्या बात है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नवाजिश नवाजिश नवाजिश। अब सारी रात उल्लू की तरह जागते रहोगे या सोना भी है? बस अब्बा जा रहा हूँ सो। चल जाके सो जा। मैडम आप इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही है? क्यों मुझे आने के लिए किसी की इजाज़त लेनी पड़ेगी? वो मुझे लगा मैं शायद ख्वाब देख रहा हूँ। नहीं नहीं वो मेरा मतलब वो नहीं था, लेकिन असल में ना शहर के लोग लेट उठते हैं ना, इसलिए पूछा। अब लाजम तो नहीं है ना कि हर शहरी लेट ही उठे, और वैसे भी ना मुझे सुबह उठ के फ्रेश हवा खाने की आदत है। शहर में तो चाहे मॉर्निंग हो या इवनिंग हो डर्टी हवा ही मिलती है। आपको कैसे पता? आप कभी इन पहाड़ों से बाहर निकले हो क्या? हाँ हाँ मैं पूरा पाकिस्तान घूम चुका हूँ, और जो मज़ा इन पहाड़ों में है ना वो किसी और जगह में नहीं। क्या एग्री, लेकिन लॉन्ग लाइफ के लिए तो कंफर्टेबल नहीं है ना ये जगह। कितनी सारी फैसिलिटीज से महरूम है आप लोग। जैसे आप लोग अपनाइत से, रिश्तों से, इंसानियत से महरूम है, वैसे अगर हम कुछ फैसिलिटीज से महरूम है तो क्या हुआ? और वैसे भी ज़िंदगी तो हमारी है, आप लोग तो रोबोट हो रोबोट। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे तैयार भी होना है, फिर हम साथ में ही निकलते हैं। यार वो अनाया किधर है? मुझे तो लगता है अब तक सो रही होगी। मैं जाके देखता हूँ।
ओ गाइस जरा इधर तो देखो, कोले कितना फास्ट निकला, एक ही दिन में इतना आगे चला गया। सॉरी गाइस, बस दो मिनट में चेंज करके आई। जल्दी करो यार, नाश्ता कर लिया तुम लोगों ने? नहीं यार, बाहर जाके करेंगे। बस भाई कोई अच्छा सा नाश्ता करा दो प्लीज। जी जी। रोनी, तुमने कैमरा बैग में रख दिया? हाँ यार, वो सारा इमरजेंसी का सामान वगैरह रख लिया था ना, और लो ये आ गई मैडम। हाँ गाइस, मैं रेडी हो गई, चले। ओ भाई किधर? अबे तुम तो जाके गाड़ी स्टार्ट करो यार। जी जी चले गाइस, आ गई, बहुत देर हो गया, आ जाओ चले। जाने क्या क्या पता, एक तरफा इश्क का चलने लगा सिलसिला, जैसे पर्वतों पर हंसी एक सहर खेल गई, कोई जो मिला नाश्ता। हाँ खुले, मुझे बहुत भूख लग रही है, प्लीज नाश्ता करा दो। जी जी ठीक है, आ जाए, वैसे भी दो कदम के फासले पे हैं। आओ चलते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, छह अंडा पराठा बोल देता हूँ, साथ में कुछ चना वना कर देता हूँ, और छह टाइट गुड़ वाली चाय कर देता हूँ। नहीं यार, छह नहीं पाँच। क्यों, तुम चाय नहीं पीते? नहीं मैं तो चाय पीता हूँ, वो तुम्हारी अनाया मैडम नहीं पीती ना, इसलिए। तो फिर तो हमारी जोड़ी खराब हो गई, मैं तो चाय पे सकता हूँ। हेलो, अच्छा एक काम करते हैं, चार चाय बोल देता हूँ, आज के बाद मैं भी चाय नहीं पीऊंगा। गाइस अनाया का सुन के खोले ने भी चाय छोड़ दी। क्या? हाँ सच में। मैं नहीं मान सकती ये बात। और अच्छा मैंने तुम्हारे लिए पराठा ऑर्डर किया है। नाश्ता आ गया गाइस। ऐसा है नाश्ता, कुछ और चाहिए? नहीं थैंक यू सो मच। अच्छा आपको नाश्ता नहीं करना क्या, डाइट पर हैं क्या आप? नहीं वो दरअसल मैं घर से नाश्ता करके आया हूँ, आप लोग आराम से नाश्ता करें और मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, फिर आ जाए। ठीक है। यार खुले खान गायब है, दो तीन सी नजर नहीं आ रहा, किसी को बताएगा है? मैं भी यही सोच रहा था कि किधर है, ऊपर से इस साहब ने नंबर भी बंद कर दिया है। ओ करीमुल्ला आ रहा है, शायद इसको पता होगा। ओ करीमुल्ला इधर आ। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम करीमुल्ला जाना। अच्छा वो तुम्हारा खुले खान नजर नहीं आ रहा, ये दोबारा पिंडी तो नहीं भागा? नहीं नहीं वली भाई, वो शहर से कुछ मेहमान आए हुए ना, तो उनके साथ लगा हुआ है। अच्छा तो नोट छाप रहे ऐसा है। अच्छा खैर अगर नजर आए तो बोल देना कि शाम को बैठक पर आ जाए, ठीक है? ठीक है वली भाई। फिर तो खुले खान की तरफ से आज की दावत पक्की। आइए आज मैं आप लोगों को सवात की एक ऐसी खूबसूरत और तारीखी जगह दिखाऊंगा ना, जो अनाया मैडम आप लोगों ने कभी देखी ही नहीं होगी। वाह क्या बात है। Thank you.
तो क्या नाम बताया था आपने इस जगह का? सफेद महल। और पता है आपको, ये वो जगह है जहाँ क्वीन एलिजाबेथ भी आ चुकी है। अरे भाई, कहाँ क्वीन एलिजाबेथ आ चुकी है, कुछ मुझे भी बताओ। अब क्या सब कुछ अनाया को ही बताते रहोगे हैं? अच्छा बात सुनो, पता है इस सफेद महल में जो संगमरमर यूज हो चुके हैं ना, वो इंडिया की जयपुर से मंगवाए गए थे। और ये मियागुल अब्दुल वदूद, जिसको अभी वादी स्वाद के नाम से जानते हैं, उसने अपने आरामगाह के लिए जगह बनाई थी। और इस जगह को आप चारों साइड से देखें ना, हर तरफ आपको पहाड़, दरख्त, एक खूबसूरती, एक उसने एक पहाड़ों की लमन, जिसको हम पश्तों में कहते हैं लमन, जिसको कहते हैं बिल्कुल पहाड़ों का, जो जहाँ पहाड़ खत्म होते हैं ना, उसने ये जगह यहाँ कंस्ट्रक्ट की थी। यार ये कुले खान का गायब है, इतनी देर हो गई, हमने आगे निकलना भी है। लो आ गया कुले खान। हाँ हाँ वली, क्या चैपल बना हुआ है। हाँ हमें छोड़ो, तुम बताओ दुम्बा कब खिला रहे हो, नोट वोट तो बड़े छाप रहे हो आजकल। हमने कब इनकार किया यार, वो गनी बाबा कहता है ना, जुपहा जनत सकड़म ची आरान रासर ने भी। चलो मणा, लगा दो एकदम और बुला दो सारे गम। गम वम को छोड़ो, तुम्हारा भाई शादी करने वाला है बहुत जल्द इंशाल्लाह। सीरियसली लड़की भी पसंद कर लियो, हमें बताया तक नहीं। बताऊंगा, सबको बताऊंगा। जब खकोले की शादी होगी ना, तो इस पूरे इलाके को पता चल जाएगा कि आज खकोले खान की शादी है। तो फिर ठीक है, गुलबाड़ा को मैं अपनी तरफ से लेके आऊंगा। चले अब लेट भी हो रहा है, चलो चलते हैं। हाँ यार, पता है कल ना हमारी ट्रिप का आखिरी दिन है और परसों हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, तो मैं आना हुआ ना तो जरूर बताना। चलो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। लाफ्स। अब खेल के देखो। हाँ यार चाय। हाँ चाय को, चाय। अब रोजाना इनके लिए चाय ले आओ। वाह, मैं तो बोला भी है फौरन चाय उन्होंने कर दी। अम्मा अम्मा जल्दी करें ना, वो मेहमान इंतजार कर रहे होंगे। सबर करो ना, अब मैं आग से तो जल्दी नहीं कर सकती। अभी तो मेरे तुम्हारे लिए चाय भी बनानी है। अम्मा मैं चाय नहीं पीऊंगा, मैं चाय छोड़ चुका हूँ। हैं? ये कब हुआ? अम्मा आज के बाद कुले खान चाय नहीं पिएगा। मैं एक तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती, तुम नाश्ता करो, मैं किचन में जा रही हूं। यार ये तो बहुत लेट हो गया। ओके अम्मा, अल्लाह हाफिज। कुलिया, ओ शावली भाई पूछ रहा था आपका। हाँ हाँ, गया हो रात उसके तरफ, मिला उससे। तुम कॉलेज क्यों नहीं गए हो? अब संडे को तो कॉलेज नहीं जा सकता, मुझे भी अपने साथ ले चलो। अगर मुझे नहीं लेके गए ना, तो मैं खानजी से शिकायत कर दूंगा कि रात को पीर शाहवली की बैठक पर गए हुआ। अच्छा ठीक है मेरे बाप, लेकर तो जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ की बात अगर इलाके में किसी को पता चल गई ना करीमुल्ला, तुम्हारा खैर नहीं। हाँ, चल, हाँ, नहीं बताऊँगा। आजा आजा, दरवाज़ा बंद कर, अम्मा फिर डांटेगी। Thank you.
यार रोनी, एक बात पूछूं, माइंड तो नहीं करोगे? नहीं नहीं, बोलो क्या पूछना है? ये जो अनाया मैडम है, ये शादीशुदा तो नहीं है? नहीं, क्यों? तुमने शादी करनी है? हाँ यार, बस पसंद आई है मुझे, लेकिन हाँ इसकी जो भी शरारतें होगी ना उसके लिए मैं तैयार हूँ। अरे भाई मुझे किस लिए बोल रहा है, जाके उसे साफ साफ बोल दे। और वैसे भी आजकल वो तुम में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट ले रही है। सीरियसली? थैंक यू सो मच यार। रोनी चलो यार। हाँ हाँ यार आ रहा हूँ। तरफा इश्क का चलने लगा सिलसिला, जैसे पर्वतों पर हंसी एक सहर खेल गई, कोई जो मिला यूं लगा जिंदगी मिल गई। करीमुल्ला एक बात पूछूं? हाँ पूछ ले। ये खोले तुम्हारा सगा भाई है? सगा तो नहीं है, मगर माँ बाप से बढ़कर है मेरे लिए। मेरे माँ बाप के गुजरने के बाद खुले और उसके घर वालों ने अपना बच्चा समझ कर पाला है मुझे। अच्छा, तभी मैं बोलूँ कि इतना मुख्तलिफ क्यों है। हाँ नया मैडम, खुले वाकई मुख्तलिफ है, दिल से, दिमाग से और सोच कर। ये आवाज़ किस चीज़ की आ रही है? रबाब की, हमारे कल्चर में है। तो आप खुले से बोलकर हमें भी दिखाने ले जाएंगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं खुले को बता दूंगा।
अनाया, आज मैं तुझसे अपने दिल की बात करना चाहता हूँ। कौन सी दिल की बात खोले? वही जो मुझे रातों को सोने नहीं देती, जिसने मुझे बेचैन करके रखा है। अच्छा तो बताइए मिस्टर खुले खान, कैसी कौन सी बात है जिसने आपको बेचैन करके रखा है? मोहब्बत करता हूँ तुमसे, शादी करना चाहता हूँ, इस पूरे दुनिया की खुशियाँ आपके कदमों के नीचे रखना चाहता हूँ। नाया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अच्छा अम्मा, मैं जा रहा हूँ, मेहमानों ने आज निकलना है। रुको, मैं भी साथ चलता हूँ ताकि मेहमानों को सीएफ करूँ। पता नहीं इन तीन दिनों में तुमने उनके साथ किया क्या होगा। अब्बा, एक तो आपको मुझ पे भरोसा ही नहीं है, मैंने उन लोगों को ऐसा एंटरटेन किया है ना कि जिंदगी भर याद रखेंगे। ठीक है ठीक है, चलो मैं उनको फ़ोन करके अपडेट ले लूँगा। अच्छा चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। जी जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा अम्मा, आपको पता है वो लोग मुझसे इतने इम्प्रेस हो चुके कि वो एक लड़की तो मुझसे शादी का बोल रही थी, लेकिन मैंने भी बोल दिया कि मैं अम्मा से पूछूंगा। तो फिर मेरी मुलाकात कराओ ना, मेरी तो दिली ख्वाहिश है कि तुम्हारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। तुम्हारी उम्र के लड़कों के तो दो दो बच्चे हैं बेटा। अम्मा, बस अल्लाह करे एक बार मेरा अपना जाती कारोबार सेट हो जाए ना, फिर उसके बाद आपका ये ख्वाहिश जरूर पूरा करूंगा। अरे बेटा, आने वाली रिस्क अपने साथ लेकर आएगी। अच्छा ठीक है अम्मा, अब मैं जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अच्छा तो भाई बताएं, क्या अमाउंट बनती है आपकी? ओ, वो अनाया मैडम कहाँ पर है? सबर करो, आ रही है, है? लो, आ गई आपकी मैडम। जी बैग दे। थैंक यू, आपने हम सबका इतना ख्याल रखा, और स्पेशली मेरा। जी बस ये तो मेरा फर्ज था, वो मैंने कुछ कहना था आपसे। एक मिनट, एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ, एक्स्ट्रा पैसे चाहिए? रॉनी? आप? जी जी रॉनी, इसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे दो, ये सच अ नाइस गाय। हाँ ठीक है, ओके। आ गया मेरी जान, पीछे मुड़ के तो देखो। कासिम? हेलो। अरे कासिम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुमने इतनी देर लगा दी, कब से वेट कर रही है? यार ट्रैफिक था थोड़ा सा इस वजह से। अरे कासिम, रानी। अरे कैसे है भाई, तू यहाँ कैसे? मैं ठीक ठाक है। हेलो हेलो यार, मैं तो तुम्हें बताए ना, अनाया के बगैर एक दिन नहीं रह सकता, दो तीन दिन से अकेली रह रही है यहाँ पे। गाइस ये है कासिम, मेरी जिंदगी और मेरा सब कुछ। इसे रोनी को तो पता है, लेकिन शायद आप लोग के लिए सरप्राइज हो, और वैसे भी इन्हें सरप्राइज देने की आदत है। अच्छा तो ये है वो जिसे उस रात तुम फोन पे बात कर रही थी? बड़ी तेज हो तुम। खुले? जी। अच्छा, और ये खुले परसों रात जिसका मैंने बताया था ना?
हेलो हेलो ब्रो, दिस कासिम बलोच। कुले खान। कैसा नाम है यार ये? मतलब क्या है इसका? आई नो गाइस, यहाँ के एक लोकल ने मुझे बताया था कि इसका मतलब है खूबसूरत। साइलेंट गाइस, अब इस तरह किसी का मजाक थोड़ी उड़ाते किसी के नाम का। अच्छा अब आप मेरे साथ आइए। अच्छा तो ये बताओ कि तुम्हारा क्या प्लान है, तुम्हें यहाँ रुकना है या जाना है, क्योंकि ये लोग तो जा रहे हैं। यार अभी तो मैं आया हूँ, हम दो तीन दिन यहाँ रुकेंगे। इनको बोल दो कि तुम लोग चले जाओ, हम लोग रुक रहे हैं यहाँ पर। या तो मैं बोल दूँ। अच्छा चलो ठीक है, मैं बता देती हूँ। चलो आओ। अच्छा गाइस तो आप लोग निकल जाइए, मैं कासिम के साथ एक रूम में आऊँ। चलो ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं। से बैग लेकर आ। हाँ यार बस उठ। क्या यार इतने छोटे से रूम में कैसे रह लेते हो तुम लोग? कासिम चॉकलेट्स भी नहीं है यार। हाँ बस यही रखते हैं। अब अच्छा एक काम करें, आप प्लीज कासिम के लिए खाना अरेंज कर लें। जी ठीक है, कुछ और चाहिए? थैंक यू यार, दो चाय बोल दें। दो चाय क्यों? अरे मैडम तो चाय नहीं पीती। दो तीन दिन में तुम्हें पसंद ना पसंद कभी पता चल गया? इसीलिए तो मैंने तारीफ की थी इनकी। एक बात बताओ, तुम्हें अनाया की बर्थडे का भी पता है? अच्छा सॉरी यार, सॉरी। खुले वो बात ये है कि कासिम मेरे बगैर चाय नहीं पीते, तो मुझे भी इसलिए उनके साथ चाय पीनी पड़ती है। तो क्या ये आपकी खातिर चाय नहीं छोड़ सकता? ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, भूख लग रही है मुझे, जाओ कुछ खाने के लिए लेकर आओ। खुले खाने का इंतजाम करते हैं। तो सब छोड़ो, मैं तुम्हें पिक्चर्स दिखाती हूँ। क्यों? हमने पूरे बहुत एंजॉय किया। ये देखो, ये देखो। वाओ। व्यू चेक करो। वो मेरी चाहतों से बेखबर सही, पहला भी आखरी भी इश्क है बस वही। अनाया पता है, जब मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूं ना, तो बाखुदा जी चाहता है कि तुम्हारी आंखों में डूब मर जाऊं। यार ये फिल्मी लाइन है ना, मेरे सामने ना मारा तो। वैसे भी पिछले 3 सालों से ना तुम यही बात कर रहे हो। तुम लड़की ना बहुत अजीब हो, जब बंदा तारीफ करता है तो फिल्मी लाइंस, जब ना करे तो ना खुश। क्या ये? यार आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ गर्ल, और वैसे भी मुझे रोमांटिक बातों से ज्यादा ना मोहब्बत और खलूस की बातें पसंद है। पता है यार मुझे, पता है तुम्हारे ये हुलिये और वेस्टर्न ड्रेसिंग पे लोग सिर्फ धोखा खा सकते हैं, हकीकत में ना तुम पूरी घरेलू टाइप लगती हो। तंग कर रहे हो ना मुझे? यार तुम्हें पता है रूनी ने क्या कहा था मुझसे? रूनी ने कहा था कि जब तुम्हें खुले देखता ना तो वो पागल हो जाता है, और वैसे भी जब कोई इंसान किसी से मोहब्बत करता है ना तो उसका दिल देखा जाता है, और ये ड्रेसिंग मैटर नहीं करती। वो तुम्हें देख के पागल नहीं हो जाता, तुम्हारे खुले बाल ये ड्रेसिंग को देख के पागल हो जाता है, वरना खूबसूरती की इस इलाके में कोई कमी नहीं है, ये बात पूरा पाकिस्तान जानता है। खुले बोलता है कि तुम्हें देख के पागल हो जाता। क्या आ गया गाना।
वाह यार, बॉल से तुम भी खाओ खाना। आओ अली भाई, 7 मिनट में 4 राउंड थी। मेरे तो पहले राउंड में हालात टाइट हुई थी और ऊपर से अब सिरगट भी पीती है। यही तो मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ कि नौकरियों के पीछे मत भागो, सबके सब ग्रेजुएट हो, कुछ अपने बिजनेस के बारे में सोचो। और तुम क्या आजकल देवदास बने फिरते हो शावली? अगर किसी इंसान से आप सच्चे दिल से मोहब्बत करते हो और आपको पता चले कि वो किसी और से मोहब्बत करती है, तो फिर क्या करना चाहिए? गोली मारनी चाहिए। कहते हैं ना, मोहब्बत और जंग में सब जायज है। ऑप्शन बुरा नहीं है, लेकिन तुम लोगों ने तो वो सुना होगा, जब गनी बाबा के बेटे को किसी ने मारा तो उसने ये कहकर उस शख्स को माफ कर दिया कि एक गनी तो रोया है, दूसरे गनी को मैं रोता हुआ नहीं देख सकता। पुलिया, अगर मेरी मानो ना तो दिल और जबान पे पत्थर रख के इस गम और दुख को ही पी जा। ओ अली भाई, आज कुली के लिए एक गाना सुना दो। ये अच्छी बात है, सुना देते हैं। पलेला हर सड़े मयन दे बखदा बुदे चिलेला पीश मयना पज गुगरो बासर खेजमू लेला पज गुगरो करली जड़ गुलूना तापसे में डेर जड़ली दी जानाना स्तरगली में पड़ से दली दी जानाना तापसे में डेर जड़ली दी जानाना सरगली में पड़ से दली दी जाना। तुम्हारे ये हुलिये और वेस्टर्न ड्रेसिंग पे लोग सिर्फ धोखा खा सकते हैं, हकीकत में ना तुम पूरी घरेलू टाइप लगती हो। तुम्हें देख के पागल नहीं हो जाता? तुम्हारे खुले बाल, ये ड्रेसिंग को देख के पागल हो जाता है। वरना खूबसूरती की इस इलाके में कोई कमी नहीं है, ये बात पूरा पाकिस्तान जानता है। ये लो, तुम्हारे लिए गर्मा गर्म कॉफी। थैंक्स। क्या हुआ, नाराज हो तुम? मैं कौन होती हूँ नाराज होने वाली? तुम वो हो जिसने कासिम बलोच का दिल चुराया है, जिसके ना होने से कासिम की जिंदगी में अंधेरा सा हो जाता है। जान हो मेरी, तुम मोहब्बत करता हूँ तुमसे। कुछ और बताओ, ये क्या हो तुम मेरे लिए? नहीं, कॉफी है। कॉफी पियो, मैंने अपने हाथ से बनाई, ठंडी हो जाएगी। बताओ कैसी है? बहुत अच्छी। कासिम बलोच ने बनाई है, अच्छी तो होगी ना यार। उसी स्माइल में रहो यार, ये तो मुंह बना के ना इधर खड़ी भी अच्छी नहीं लग रही थी। हाँ ऐसे रहना, पता मेरा दिल चाहता है ना ये पूरी वादी तुम्हारे नाम कर दूं। जिसे चाहा बेपना खुदा, मान लूं किस तरह है वो किसी और का। अरे कासिम, क्या हुआ है ये कहा जाए ना, हम ही ऐसा गाइस, ये है काफी।
मेरी जिंदगी और मेरा सब कुछ। वैसे रोनी को तो पता है कि शायद आप लोगों के लिए सरप्राइज हो। हम नवा मेरा है मेरे दर्द से अजनबी सफ़रे इश्क में है सब हार दिया सब वार दिया है सफ़रे इश्क क्या हुआ? मोच आ गई है पाँव में। एक बार सीधा 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 नहीं हो रहा। उठो, 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 उठो। मैं कोशिश करती हूँ। हिम्मत करो। हाँ, उठ जाओ। एक मिनट। मुझे नहीं उठ जा रहा। उठो एक मिनट। चलो 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 आराम से आराम से। एक मिनट यार। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट मुझे मारे। चलो बिल्कुल आराम से। हाँ आराम से आराम से। नहीं हो रहा है। बस ये करीब ही है, करीब गेस्ट हाउस हम लोग पहुँचने वाले। बस थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और चल रहा है। ठीक है। हाँ बस 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 बस, बस। कुलिया क्या हुआ, यहाँ क्यों लेटे हो? तुम्हारे अब्बा कह रहे थे उसको मेरे पास भिजवा दो। अम्मा सोने देना। तो रात को फिर शावली की तरफ गया था ना? आने दे तुम्हारे अब्बा को, बताती हूँ। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, पता नहीं अपना टाइम ज़ाया करते हो। मेरे आने से पहले तुम बिल्कुल सही थी। मैंने आती ही तुम्हारे पैर में मौच आ गई। वीडियोस बनानी थी यार मुझे यहाँ पे। अब इसमें मेरी क्या गलती है? शायद अल्लाह को यही मंजूर हो। अच्छा ना कासिम पर गुस्सा थूक दो। मैं एक काम करती हूँ, मैं खुले खान को कॉल करती हूँ, तुम्हें सवाद कमा देगा। हाँ ठीक है, वैसे भी तुम चलने के काबिल तो हो नहीं। जी आना है मैडम। हेलो खुले, तुम्हें पता है कि मुझे पाँव में मोच आ गई है, तुम कहाँ पे हो? हेलो वो आ रहा है शायद। हाँ ठीक है। क्या हुआ ना है मैडम, सब खैरियत है? हो भाई सब खैरियत है हमारी तरफ, लगता है तुम्हारी तरफ खैरियत नहीं है कुछ। ये कैसे हो गया अनाया मैडम? चले डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं नहीं खुले, बस हल्की सी मोच आई है पैर में, तुम छोड़ो इन सब चीज़ों को। अच्छा एक काम करो, कासिम को सलाद घुमा दो। वो अनाया मैडम मुझे तो खान जी ने बुलाया, मैं तो खान जी के पास जा रहा हूँ। हेलो भाई इधर आओ जरा। कितने पैसे देते हो तुम लोग इसको? मैक्सिमम 3000। आई विल गिव यू 5000, मेरे साथ चलो। कासिम साहब शायद आपको मेरे उसूलों का पता नहीं है। मैं जिसको दिल में रखता हूँ उसके साथ हिसाब नहीं करता, और जिसके साथ हिसाब करनी होती है उसका तरीके ही कुछ और। लेकिन खैर तुम नहीं समझो, एक तो तुम मेहमान हो और दूसरा अनाया का दोस्त। अल्लाह हाफिज़।
बात किस तरह कर रही है? क्या बदतमीजी है? अच्छा ना कासिम, तुम जूस पियो। ए यार, हाँ बस गया हूँ मैं। क्यों सर चढ़ाया इतना? बात करने का तरीका नहीं आता उसको। अच्छा ना चली करो। तुम चुप करो। कासिम, कासिम सुनो, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। यार ना, मैं बच्चा नहीं हूँ। उस बंदे की बातों ने मेरा दिमाग घुमा दिया। मैं बाहर जाऊंगा, थोड़ा फ्रेश हो जाऊंगा, मूड चेंज हो जाएगा मेरा। लेकिन मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। जान तुम आराम करो, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। मुझे कुछ काम भी है, कैश भी निकलवाना है। तुम्हारे लिए खाने के लिए भी कुछ लेकर आ जाऊंगा। कबाब खाओगे? साथ में खाना खाते, ठीक है? मैं लेकर आता हूँ। के सामने तुमने मुझे बेइज्जत कर दी, ठीक है? मैं अंदाजा है 2 मिनट में गायब करवा सकता हूँ। बहुत पसंद करते ना तुम अनाया को। तुम्हें अंदाजा नहीं है उसकी सांसों पे मेरा कब्जा है। मेरा हाथ उठाऊंगा ना तो भूखी मर जाएगी वो। उसके पास अपना क्या है? कुछ भी नहीं। पिछले 3 सालों से यूनिवर्सिटी, फ्लैट, घर का खर्चा सब मैं उठा रहा हूँ। हम जैसों के एंटरटेनमेंट के लिए अनाया जैसी हजारों लड़कियां मौजूद होती है। अगर तुम लोग इन पहाड़ों से कभी निकलोगे ना, तो तुम लोगों को पता चलेगा कि आजकल की मोहब्बत पैसे से शुरू होती है और पैसे पे खत्म होती है। क्या तुम अनाया से शादी नहीं करोगे? वो तो मोहब्बत करती है तुमसे। ओ भाई, वो मेरे पैसे से मोहब्बत करती है। उसकी जरूरत है पैसा और मेरी जरूरत है वो। लेकिन खैर, मैं किस जाहिल को समझा रहा हूं। सफरे नहीं नहीं, अनाया ऐसी लड़की नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकती। पहली ही नजर में हुआ, जाने क्या क्या पता, एक तरफा इश्क का चलने लगा सिलसिला। जैसे पर्वतों पर हंसी एक सहर खेल गई, कोई जो मिला यूं लगा जिंदगी मिल गई। सफरे इश्क में सब हार दिया, सब वार दिया ऐ दिल, सफरे इश्क में है ऐ यार कहीं मिलती नहीं मंजिल, सफरे इश्क में वो। आपकी सर जो सरबाई थी उसका एक्सीडेंट हो गया है। करीमुल्ला क्या बोल रहे हो? कब, कहाँ, कैसे? ये कैसे हो सकता है? उसे फौरन उनके पास लेके चलो। या अल्लाह, ये क्या हो गया? मान लो किस तरह है वो किसी और का, हाल दिल क्या हुआ है ये कहा जाए ना। जो सहा जाए ना, आंखों से गवा है मेरे दिल की ये बेबसी, हम नवा मेरा है मेरे दर्द से अजनबी। अबे तुम लोग
लोग यहीं बैठो। मुनीब भाई वो जो शहर से मेहमान आए थे ना, उसमें एक लड़की जो थी ना अपना करे जिसको पसंद करती थी ना, वो गिर के बेहोश हो गई। ये क्या बकवास कर रहे हो, वो कैसे बेहोश हो गई? ओ हाँ जी, वो अनाया मैडम कहाँ है? अनाया मैडम क्या हुआ, कैसे हुआ? उसको डॉक्टर देख रहा है। ये बताओ तुमने उस लड़के के साथ क्या किया? हाँ जी मैंने क्या किया है, पहाड़ों में ओवर स्पीड कर रहा था, बस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। ये बताओ वो लड़का जिंदा है? नहीं खान जी वो मर गया, वो एक्सीडेंट इतना तेज था कि वो बच ना सका। लेकिन आप ये बताएं अनाया कहाँ है, कैसी है? एक्सक्यूज मी, आपके पेशेंट को होश आ गया, आप उनसे मिल सकते हैं। हाँ जी मैं अनाया के पास जा रहा हूँ। अनाया मैडम क्या हो गया, आप ठीक हैं? पहले भी तो कासिम ठीक था, तो फिर ये सब क्या हो गया? मैं नहीं जानता, लेकिन बस इतना कहूंगा आपसे कि हिम्मत से काम ले, अल्लाह के फैसलों के आगे इंसान बहुत मजबूर होता है। प्लीज आप चुप हो जाएं, आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। है मैडम प्लीज आप चुप हो जाए, मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। प्लीज अनाया मैडम, अम्मा 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 किधर गायब हो? क्या हुआ, क्यों बच्चों की तरह चीख रहे हो? अम्मा वो अनाया को कबाब पसंद है ना, उसके लिए कबाब लेकर आया हूँ। गुलिया क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो, इतने सदमे के बाद उसकी हलक से पानी तक नहीं जा रहा और तुम्हें कबाब की पड़ी है। अच्छा अम्मा मेरी बात सुने, आपको पता है ये वही लड़की है जो मुझे पसंद आई थी। ये तो मैं तुम्हारी हरकतों से समझ गई थी, वो ठीक होगी ना, मैं उसके साथ खुद बात करूंगी। लेकिन अम्मा आपने बहुत ख्याल रखना है, ऐसा ना उसको बुरा लग जाए, क्योंकि पता है आपको उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। कुलिया इसका कोई नहीं होता ना, उसका खुदा होता है, आइंदा ऐसी बातें मत करना। अच्छा अम्मा आपको कैसी लगी? बहुत खूबसूरत थे, मेरे बच्चे की तरह जोड़ी, माशाल्लाह अच्छी लगेगी। अच्छा अम्मा अपनी किचन में रखे, मैं फ्रेश होके आता हूँ। अच्छा मैं तुम्हारा गम समझ सकती हूँ, लेकिन जाने वाले को कौन रोक सकता है? चुप कर जाओ मेरा बच्चा, तुम्हारा ज्यादा रोने से उसकी रूह को तकलीफ पहुंचेगा। अम्मा कैसे चुप हो जाओ, कासिम के अलावा कोई था ही नहीं मेरे दुनिया में, पर पता नहीं ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। बचपन में मेरे माँ बाप ने भी मुझे छोड़ दिया और अब कासिम ने। खून के तह तुम्हारा कोई नहीं है, हम सब तुम्हारे हैं। मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, फिकर ना करो।
गुले खान भी तो है ना, कितना तुम्हारा ख्याल रखता है। चुप कर जाओ मेरा बच्चा, चुप। देखो ना यार, कुले खाना आजकल कुछ ज्यादा ही चमक रहा है। यार ये बात तो है। अच्छा खैर, ये तो बता, हमारी होने वाली भाभी की तबीयत कुछ बेहतर हुई है? माशाल्लाह से। अब तो बस तुम लोग शादी की तैयारियां पकड़ो। हाँ हाँ, क्यों नहीं यार, जरूर। अच्छा वो तो बताओ, दूसरे को खाने का कुछ भेज रहे हो या भूखा मारने का इरादा है? नहीं यार, करीमुल्लाह को उसकी खिदमत के लिए लगाया है। अच्छा यार, उस दिन वो एक्सीडेंट तुमने करवाया था? नहीं नहीं यार, हाँ अलबत्ता एक्सीडेंट के बाद। करीमुल्ला रस्सी ले आओ। उसने औकात की बात की, सोचा चलो औकात दिखा देते हैं इसको। मैंने तो अनाया का दोस्त समझकर उसको माफ़ कर दिया, लेकिन मेरे इलाके में मुझे हाइप करने का बोला। हम तो पठान लोग हैं, हमारी दोस्ती और दुश्मनी दोनों कब्रिस्तान तक होती है। ये चीज़ नॉक नॉक। कौन भाई? कुले खान। तेरी मुल्ला जाना, उसको ज्यादा खाना वाना नहीं देना। वो क्या कहते, ये जनाब आजकल डाइट पर है। हाथ खोल के बात कर, तेरा मुंह ना थोड़ा ना मैंने। मेरा नाम कासिम बलोच नहीं होगा। ओ भाई गैरत की बात ना कर, हम अखरोट दिमाग है, अगर दिमाग घूम। रिलैक्स वली, रिलैक्स, दिमाग घुमाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी अगले हफ्ते मेरे और अनाया की शादी है, फिर उसके बाद आराम से प्रोटोकॉल के साथ इसको वापस भेज देंगे। अनाया सिर्फ मेरी है, वो मुझसे मोहब्बत करती है, वो सिर्फ मेरी है। अपने नापाक अनाया का नाम मत लो, वो मेरे होने वाली बीवी है। करीमुल्ला मेरे जाने के बाद दरवाजा बंद कर, ताकि इसकी आवाज इस काल कोठरी से बाहर ना जाए। हाथ खोल ना, हाथ खोल के बात कर। मेरे दादा तो हाथ खोल, हाथ खोल के बात कर, हाथ खोल के बात कर। हाँ जी, आप लोग की ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है ना इन पहाड़ों के बीच में। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ थमसा गया हो। हाँ बेटा, ज़िंदगी में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली कि कहीं बाहर सेटल हो जाए, मगर जो मिठास इन पहाड़ों के बीच मिलता है वो कहीं और नहीं। लेकिन हमारे बेटे को तो हर वक्त डांटते हो, सऊदी चले जाओ, उसको भी तो अपना इलाका पसंद है ना। अच्छा अब झगड़ा ख़त्म करो, घर में मेहमान बैठी है। मैं मस्जिद जा रहा हूँ और उसके बाद एक जगह है, वहाँ पे जाऊँगा। अल्लाह हाफिज़। खुदा। अच्छा अम्मा, जब खुले आ जाए तो आप उसे कह दीजिएगा कि मेरी वो टिकट करवा दो, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। आराम से बेटो, कहीं नहीं जाना तुम्हें। खुले से पहले मेरी एक बेटी हुई थी, पैदा होते ही मर गई। जितना हम मुझे उसके जाने का था ना, इतनी खुशी मुझे तुम्हारे आने की है। मेरे माँ बाप के गुजर जाने के बाद मुझे आप लोगों में ही अपने माँ बाप का रूप नजर आया, लेकिन मैं आप लोगों पे बोझ नहीं बनना चाहती। पागल, बेटियां बोझ नहीं होती। चले एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे खानजी से बात करती हूँ,
तुम्हारी और कुली की शादी करा देंगे। फिर तो तुम हमारी जिम्मेदारी होगी ना, और तुम्हारा ये बोझ वाला बहाना भी खत्म हो जाएगा, और वो कमीना जो है ना, वो भी थोड़ा सीधे रास्ते पे आ जाएगा। अम्मा, अब मैं तुम्हारे लिए अच्छे से खाना बनाती हूँ, फिर रात को बैठ के खाएंगे। ठीक है। अनाया मैडम, अनाया मैडम, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? हाँ, वो बस पैसे चलते चलते यहाँ पे आ गई। चले? अनाया मैडम, आपसे बात करनी थी। हाँ जी, बोले। वो मैं आप मेरे साथ एक छोटी मोटी शादी करेंगी? छोटी मोटी शादी? मेरा ख्याल अब हमें चलना चाहिए। चले? जी 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 जी। अम्मा, ये देखे ना, कुले मुझे तंग कर रहा है। अम्मा, कुले? क्यों मेरी बेटी को तंग कर रहे हो? मैंने तो बस बस क्या, बोलो ना, अभी क्या बोल रहे थे? चुप क्यों, बोलो ना। अम्मा, मैंने तो बस सिर्फ अपने दिल की बात कर दी कि मुझसे शादी करोगी। हाँ, शादी करो तक तो समझ में आ गया, लेकिन ये छोटी मोटी शादी, अब बीच में छोड़ने का इरादा है क्या? अम्मा, ये किस तरह बातें कर रही है? मैं और अनाया को छोड़ूंगा? ये कभी नहीं हो सकता। कुले खान कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा, कुले खान का वादा है आपसे। अच्छा, तो फिर मेरी ना कुछ शर्त है? मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। पहले तो तुम अपने लिए जॉब ढूंढोगे, और खान जी से बदतमीजी तो बिल्कुल भी नहीं करोगे। मंजूर है, मंजूर है, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। अम्मा, अभी ना मैं जाके अपने दोस्तों को बताता हूँ कि अभी है कुले खान की शादी। शावली, शावली, कोई है? क्या दिमाग खराब कर रहा है यार? छोड़ो, मेरा सिर घट गया। यार ये बढ़िया है, ये खूबसूरत है। हाँ, लाइन लगा। यार वली, हाँ तो तुम्हारे भाभी के लिए कपड़े भी उठाने, और
हाथ में जूते भी उठाने। पर यार आपको पता है तुम्हारे भाभी को कबाब बहुत पसंद है, कबाब भी उठाने। यार आपने मुझे जरूर याद दिलाना है। अरे यार क्या हो गया, हो जाएगा, क्यों इतने टेंशन ले रहे हो? बस इसको बोल दो जल्दी से पैक कर दे। ओके ब्रो यार ये पैक कर। चल चल ओके आ जाओ सब कुछ। खाना खाओ। हाँ तो बोलो कैसे खाऊंगा खाना। कहाँ रखा है छुपा के? बस कर भाई क्या करना है, पूरा मार्केट खरीदना है क्या? अच्छा बात सुन, मैं अनाया के लिए बहुत ही अच्छी चीज मैंने देखी है, वो मैं खरीद के जा रहा हूँ। आ जा एक ही चीज है बस। चल चल मेरे साथ। ये तो कासिम की आवाज है। ये कौन चीखे मार रहा है? मैं बाहर जाके देखता हूँ। अनाया अनाया मैं अभी आती हूँ। बेटा सुनो तो कासिम, तुम यहाँ कैसे, और ये सब क्या हो रहा है? गायब नहीं हुआ था मैं, इन्होंने अगवा किया था मुझे, बता रहा सबको। करीमुल्ला ये क्या बोल रहा है? अब्बा वो मैं। क्या मैं लगा रखे है, जल्दी बोल। वो मैंने नहीं, वो खुले खान ने। करीमुल्ला रस्सी ले आओ। बेगैरतों ने तो मेरी इज्जत का जनाजा निकाल लिया। बेटा मैं बहुत शर्मिंदा हूं, आप लोग जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि वो दीवाना पिरा जाए। अब उसके साथ तो मैं खुद हिसाब करूंगा। खान जी आपने और अम्मा ने तो मेरा बहुत ख्याल रखा है, लेकिन वो खुले उसको मैं कभी माफ नहीं करूंगी। मेरे एतबार को ठेस पहुंचाई है। बेटा, जगह मैं आपसे माफी मांगता हूँ। नहीं, आप लोग जाओ। कोई गलती नहीं। आप लोग जाओ। अल्लाह आपके नसीब अच्छा करे। जाओ। चलो ना। तुम्हारे लाड प्यार ने इसको हेवा बना दिया है, अब इसने लोगों की जिंदगी के साथ खेलना शुरू कर दिया है। अनाया अनाया अम्मा आपके लिए कपड़े लाया हूं। अनाया के बच्चे, उस शहर वाले लड़के के साथ तुमने क्या किया? अम्मा अनाया कहा है? तुम्हारी आंखों में तो कोई हया ही नहीं है। अब उसके साथ इतना सब कुछ करने के बावजूद
अपने नापाक मुंह से उसका नाम ले रहे हो। अम्मा मैं पूछ रहा हूँ अनाया कहाँ है? वो जिसकी थी उसके साथ चली गई। अम्मा वो लड़का उससे मोहब्बत नहीं करता, उसको तो बाखुदा मैं नहीं छोड़ूंगा। अकुले, अकुले खान। दिमाग खराब हो गया इसका। क्या करूं इस लड़के का, परेशान करके रख दिया मुझे। अनाया मेरी बात सुनो अनाया, अनाया, अनाया दो मिनट मेरी बात सुनो। अपनी जुबान से मेरा नाम मत लो। अनाया जब मुझे पता चला कि आपकी जिंदगी में कासिम है तो बाखुदा मैंने अपने दिल पे पत्थर रखा, लेकिन पता है आपको इसने मुझे आपके बारे में क्या कहा था? उसके पास अपना क्या है, पिछले 3 सालों से यूनिवर्सिटी, फ्लैट, घर का खर्चा सब मैं उठा रहा हूँ। हम जैसों के एंटरटेनमेंट के लिए अनाया जैसी हजारों लड़कियां मौजूद होती हैं। क्या तुम अनाया से शादी नहीं करोगे? वो तो मोहब्बत करती है तुमसे। ओ भाई वो मेरे पैसे से मोहब्बत करती है, उसकी जरूरत है पैसा और मेरी जरूरत है वो। मैं अगर चाहता तो बाखुदा इसको उसी दिन खत्म कर ले, लेकिन तुम्हारा दोस्त समझकर माफ कर दिया। झूठ झूठ बोल रहे। तुम झूठ बोल रहे हो, कासिम मुझसे मोहब्बत करता है, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। अनाया मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि ये बंदा आपसे मोहब्बत नहीं करता, ये बस सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है आपको। नहीं लेकिन मैं कासिम से मोहब्बत करती हूँ, उसके बगैर नहीं रह सकती। और मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। अनाया मैं कह रहा हूँ इसका हाथ छोड़े। अनाया मैं कह रहा हूँ इसका हाथ छोड़े, वरना 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 क्या कर लोगे? खुले ये क्या कह रहे हो? खुले मैं बता रहा हूँ, खुले नहीं, खुले एक मिनट मेरी बात सुन, बात सुन एक मिनट। खुले नहीं सफरे इश्क में। अनाया क्या किया तूने पागल है? अनाया एक बार उठो, उठो आगे खोले। अनाया 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 अनाया
नहीं कि तुमने क्या किया तुमने? मैं आपके लिए कपड़े लेकर आया हूँ, कपड़े कबाब भी लाया हूँ, कबाब भी साथ लाया। काजू के साथ अच्छा नहीं किया, ये दिल में जो तुम्हारे थोड़ी बहुत बेइज्जती ना अब नहीं रह गया। अनाया, अनाया मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। अनाया, अनाया वो नहीं करता था मोहब्बत, इसीलिए मैंने ये किया था। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। चाहतों से बेखबर ही सही, पहला भी आखिरी भी इश्क है बस वही, वो जो बन के मेरे धड़कनों में रहे। खुले छीन लो इस जहां ये तूने क्या किया, खुले मैं उसे दिल कहीं उसकी पलकों पे आने दो, ये नहीं ना कभी अपनी ये वफा मैं निभाऊं सदा मर के भी। सिखा दिया कि आज के जमाने में भी लोग एक दूसरे के लिए मर सकते हैं। उसके बाद मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि इस जगह को छोड़ सकूं। जिंदगी में पहली बार इस इश्क के सफर में इस वादी को लाल होते पहली ही नजर में हुआ जाने क्या क्या पता, एक तरफा इश्क का चलने लगा सिलसिला जैसे पर्वतों।